आज का वीडियो फुल्ली डेडिकेटेड है वो लोगों के लिए जो लाइसेंस से रिलेटेड है, स्पेशली दुबई में रहते हैं और इंडिया में आके दुबई में लाइसेंस निकालना चाहते हैं, तो वो लोगों के लिए स्पेशली आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है। मैं छोटा सा बनाना चाहूँगा और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अभी कुछ रूल्स चेंज हो गया दुबई में, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तक आप सब्सक्राइब करिए और साइड में बेल आइकन है उसमें दबाइए ताकि मेरा वीडियो फर्स्ट आपको मिले। और कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो मुझे आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो वीडियो में कंटेंट है, वीडियो में मैं जो कंटेंट डालता हूँ उसके रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और कुछ दुबई से रिलेटेड कुछ भी कैसा टाइप का वीडियो आप चाहते हैं, स्पेशली दुबई से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, कोई भी आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। उससे रिलेटेड वीडियो आगे आने वाले टाइम में मैं बनाते जाऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को स्वागत करता हूं और आप लोगों को शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। दुबई में अभी नया रूल्स लॉन्च हो गया एक दो दिन पहले। रूल्स के मुताबिक आपके पास ऑटोमेटिक लाइसेंस है तो मैनुअल लाइसेंस आप लोग इजीली बना सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजीली आपको ट्राई लेगा और ट्राई में बस एक ही चीज़ लेने वाले हैं। मैं इसके बारे में बताऊँगा। इससे पहले थोड़ा सा चीज़ बताऊँ कि ऑटोमेटिक लाइसेंस क्या होता है और मैनुअल लाइसेंस क्या होता है, इसके बारे में आपसे थोड़ा मैं शेयर करता हूँ। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, किसी को पता नहीं है। तो ऑटोमेटिक लाइसेंस होता है जो आप गियर नहीं लगाना नहीं पड़ता है, मतलब गियर होता है गाड़ी ऑटोमेटिक लगाता है, उसमें बस क्लच भी नहीं होता है, गाड़ी के अंदर गियर भी नहीं होता है, ऑटोमेटिक गियर होता है और क्लच नहीं होता है, ब्रेक होता है, एक्सीलेटर होता है और कुछ नहीं होता है। तो इसमें जब दुबई में लाइसेंस निकालने वाले होते हैं लोग तो बहुत सारे इधर जो गाड़ी मिलते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी होते हैं तो बंदे लोग नहीं समझते हैं, नहीं सोचते हैं कि उसको ऑटोमेटिक चाहिए या मैनुअल चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बंदे लोग आते हैं स्पेशली जो टैक्सी के लिए आते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से तो वीज़ा बनते हैं, फिर भी कोई आते हैं टैक्सी में मेरे ख्याल से खुला है दुबई टैक्सी में, बांग्लादेश से वीज़ा मिलता है लोगों को तो उधर आते हैं। तो उधर आने के बाद वो लोगों को ऑटोमेटिक लाइसेंस मिलता है, ऑटोमेटिक लाइसेंस मिलने के बाद, लेकिन ऑटोमेटिक लाइसेंस थोड़ा इजी भी होता है और खर्चा तकरीबन सेम लगता है, लेकिन जल्दी निकलता है और निकालने के लिए भी इजी है, गाड़ी चलाने के लिए भी इजी है। इसलिए हम नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिक लाइसेंस ज़्यादा प्रीफर करते हैं और वही निकालते हैं। लेकिन कोई ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा बड़ा गाड़ी चलाना चाहते हैं, हाइक चलाना चाहते हैं, कैंटर मतलब थोड़ा 3 टन वाला एक गाड़ी होता है, वैन होता है, वो चलाना चाहते हैं, तो वो लोगों के लिए मैनुअल लाइसेंस चाहिए। लाइट व्हीकल मैनुअल लाइसेंस से बंदे लोग वो गाड़ी चला सकते हैं जो 3 टन वाला वैन है या हाई से या कोई भी मतलब गाड़ी, वो टाइप का गाड़ी जो होता है वो गाड़ी चला सकते हैं। तो अभी समझ में आया होगा ऑटोमेटिक लाइसेंस क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है और मैनुअल लाइसेंस मैनुअल गाड़ी क्या होता है। मैनुअल गाड़ी छोटकरी में बोला जाए तो मैनुअल गाड़ी होता है जिसके पास गियर है, क्लच खींच के 1 गियर 2 गियर 3 गियर हम लगाते हैं, तो वो हो गया मैनुअल लाइसेंस। अभी ये रूल्स से किसका क्या फ़ायदा होगा और किसे क्यों ये रूल्स बनाया गया। अभी पहले क्या था, आपके पास मैनुअल ऑटोमेटिक लाइसेंस है और आप मैनुअल लाइसेंस निकालना चाहते हैं तो आपको शुरू से लेके प्रोसीजर करना पड़ता था मैनुअल लाइसेंस पाने के लिए। ऑटोमेटिक लाइसेंस होते हुए मैनुअल लाइसेंस क्यों चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिक वाला लाइसेंस जिसके पास है वो मैनुअल गाड़ी नहीं चला सकता है और जिसके पास मैनुअल लाइसेंस है वो ऑटोमेटिक गाड़ी चला सकता है। इसलिए आप लाइसेंस शुरू में निकाल रहे हैं तो आपको मैं बोलता हूँ कि आप ऑटोमेटिक से अच्छा है कि मैनुअल लाइसेंस निकालें। हो सकता है आपको मैनुअल निकालने में थोड़ा टाइम लगे तो पहले ऑटोमेटिक निकालें, जल्दी जल्दी से निकाल सकते हैं तो निकालें, निकाल के फिर बाद में ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। तो अभी इसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिक से मैनुअल लेके जाने के लिए पहले क्या सिस्टम था, आप शुरू में ट्रैफिक ऑफिस में जाते थे, जाने के बाद जो प्रोसीडर है शुरू से लेके वो सब करना पड़ता था, जैसे लिखित एग्जाम देना नहीं पड़ता था, जो सिग्नल टेस्ट बोलता है जिसको नॉर्मली रोड का जो सिग्नल होता है उसके बारे में पता करना होता है, जो रूल्स होता है उसके बारे में जानना होता है, जो नया ड्राइवर होता है, लेकिन जो मैनुअल ऑटोमेटिक गाड़ी चलाता है उसके पास तो लाइसेंस ऑलरेडी होता है इसलिए उसको इसका जरूरत नहीं है। इसके अलावा जितने भी टेस्ट है रोड में होने वाला टेस्ट होता था और वो तो उसके लिए भी 3-4 टेस्ट 5 टेस्ट देना पड़ता था लोगों को। अभी क्या हो गया, आने वाला अक्टूबर से, अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये अगस्त में रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2017 अक्टूबर से लेके वो रूल्स लागू होने वाला है। वो रूल्स में क्या होगा कि बस जब ट्रायल लेने वाला बंदा होगा आपका गियर कैसा चलाता है बस वो चीज़ देखेगा, दूसरा कुछ नहीं देखेगा। मतलब
रोड का सिस्टम वही है, लेन का सिस्टम वही है, सिग्नल वही है, मतलब हर चीज़ वही है, कुछ उसमें कॉन्फिडेंस भी बंदे के अंदर होता ही है, लेकिन जब गियर लगाने का टाइम होता है तो बंदा कितना डिस्ट्रैक्ट होता है। हो सकता है ना कि क्लच, मतलब क्लच दबा के गियर लगाना है, तो उस टाइम बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, अटक सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। जब प्रैक्टिस होगा ड्राइविंग स्कूल में जाके, प्रैक्टिस होने के बाद ये चीज़ इजीली हो जाएगा। तो ये वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा, उम्मीद करता हूँ कुछ हेल्प मिला और दूसरे को भी मिलना चाहिए ऐसा सोचते हैं। तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अच्छा लगा बुरा लगा तो कमेंट करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए